नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। कोरिया जिले के खाद्य विभाग में दशकों से पदस्थ खाद्य निरीक्षकों का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ शासन के आदेश होने के बावजूद भी नहीं हो रहा। जब इस संदर्भ में खाद्य विभाग के प्रभारी अधिकारी से जानकारी ली जाती है तो वह किसी भी प्रकार की मीडिया से भागता रहता है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के खाद्य विभाग में वर्षों से पदस्थ कई खाद्य निरीक्षकों का स्थानांतरण सूची छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी करने के बावजूद भी अभी तक नवीन स्थानांतरण जगह पर पद को नहीं ग्रहण किए हैं। साथ ही जब इस पर खाद्य विभाग के अधिकारी से जानकारी ली जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे यहाँ खाद्य अधिकारी आने वाले हैं, जैसे आएंगे हम स्थानांतरण किए गए खाद्य निरीक्षकों को रिलीज कर दें। साथ ही जब मीडिया बाइट मांगी गई तो इस पर जिला खाद्य अधिकारी द्वारा बाइट नहीं दी गई, साथ ही संतुष्टिजनक उत्तर भी नहीं मिला। इससे यह सिद्ध होता है कि कोरिया जिला के खाद्य विभाग में कई ऐसे खाद्य निरीक्षक दशकों से डटे हुए हैं जिनका स्थानांतरण तक नहीं हुआ है और स्थानांतरण होने के बाद नए स्थानांतरण जगह पर भी पद को ग्रहण नहीं किया है। गौरतलब हो कि कोरिया जिले के खाद्य विभाग के अलावा अन्य कई ऐसे विभाग हैं जहां के अधिकारी दशकों से ही जिले में एक ही स्थान पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, जबकि शासन के नियमानुसार 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष अधिकतम अवधि पूरा होने के बाद स्थानांतरण का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत अन्य स्थानों पर अपनी सेवाएं देनी होती हैं। किंतु कोरिया जिले के कुछ विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में स्थानांतरण शब्द ही गायब हो गए हैं। जब स्थानांतरण की बात पूछी जाती है तो भड़क जाते हैं और बोलते हैं जिंदगी भर यहीं रहेंगे, आपको क्या तकलीफ है। कोरिया जिले के कई विभागों में कई अधिकारी कर्मचारी अपने पद पर एक जागीर के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं स्थानांतरण होने के बाद भी स्थानांतरण किए गए जगह पर प्रभार को महीनों बीत जाता है, ग्रहण नहीं करते हैं। इससे सीधा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं अपने पद पर लाभ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जिससे स्थान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।